After properties of subtraction comes the properties of multiplication. Now the first property in multiplication is क्लोजर प्रॉपर्टी. अब जैसे हमने पहले किया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि अगर एडिशन कर रहे हो को सम ऑफ टू इंटीजर्स शुड बी एन इंटीजर, सब्ट्रैक्शन में द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स शुड बी एन इंटीजर. तो सेम इज़ द केस इन मल्टीप्लिकेशन. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर दो इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्ट है डेट शुड बी एन इंटीजर. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई टू इंटीजर्स है टू एंड -5, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या आ रहा है -10, तो वो भी क्या है दैट इज़ आल्सो एन इंटीजर. तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि दिस क्लोजर प्रॉपर्टी दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंटीजर्स. तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स गुड फॉर इंटीजर्स. सेकेंड, नो सेकेंड इज़ व्हाट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो क्या होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि अगर आप इंटीजर्स की पोजीशन को चेंज कर दोगे तो रिजल्ट शुड नॉट बी अफेक्टेड. तो रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए. सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब इसमें हमने इंटीजर्स को क्या करना है मल्टीप्लाई. मीन्स व्हाट, अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं तो ए इंटू बी शुड बी इक्वल टू व्हाट बी इंटू ए. अगर ये चीज़ प्रूव होती है तो दिस प्रॉपर्टी दिस इज़ ट्रू फॉर द इंटीजर्स इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक टू इंटीजर्स ए इक्वल टू टू एंड बी इक्वल टू -5. अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया टू इंटू -5. राइट हैंड साइड पे क्या आ गया -5 इंटू टू. तो -10 इक्वल टू -10. Right, so therefore this property is true in case of integers. तो आप कोई भी इन दो इंटीजर्स ले लो, उनकी पोजिशन बदलोगे तो रिजल्ट कम्स आउट टू बी सेम. सो दिस इज व्हाट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हमने पहले भी किया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि अगर आप इंटीजर्स की ग्रुपिंग को चेंज कर दोगे तो रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा. सो यही होता है एसोसिएट, मतलब ग्रुपिंग करना. कैसे, आपके पास दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो लेट्स सपोज पहले इनको हमने ग्रुप किया है. अब लेट्स सपोज हमने ग्रुपिंग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, राइट. तो अगर ग्रुपिंग चेंज करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ रही है तो देन दिस प्रॉपर्टी, देन दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दिस इज़ ट्रू फॉर इंटीजर्स इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो यू पुट एनी वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स इन दिस तो द रिजल्ट विल कम्स आउट टू बी सेम. तो फॉर एग्जाम्पल लेट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू -3. तो हमने कोई भी तीन इंटीजर्स ले लिए, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू, तो ये कितना आ गया -6, तो ये भी कितना आ गया -6. तो देयरफॉर दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंटीजर्स. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. नाउ व्हाट इज़ देयर इन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, हमने एडिशन में भी की थी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. तो क्या होती है आइडेंटिटी, मतलब पहचान, कि अगर किसी भी इंटीजर की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है सो देन इसका मतलब क्या है कि दैट प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड फॉर इंटीजर्स. फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग एनी इंटीजर ए, ठीक है, तो इसको किसके साथ हम मल्टीप्लाई करें सो दैट रिजल्ट क्या होगा वो क्या होगा सेम आना चाहिए. मतलब अगर ए है तो क्या आना चाहिए वो
ए ही होना चाहिए. तो व्हाट इज़ दैट नंबर? सो दैट नंबर इज वन. तो अगर किसी भी इंटीजर को वन के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती. सो देयरफॉर दिस वन, दिस इज कॉल्ड So this one is called the multiplicative identity for integers. So clear? So for example, 5 into 1 is what? 5 minus 2 into 1 is what? Minus 2. कि ये identity 1 के साथ multiply करने से change नहीं हो रही है. Now next property. कि प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर एंड इट्स इनवर्स इज व्हाट? वन. कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर है इसको इसके रेसिप्रोकल इनवर्स, मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो इसको अगर इसके रेसिप्रोकल से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट क्या होगा? इज वन, राइट? सो देयरफॉर जो ये वन अपॉन ए है, ठीक है, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड, सो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि वॉट इज़ द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस फाइव, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है. तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा कि अगर इसको हम वन इन, यही होती है आइडेंटिटी, सॉरी यही होती है प्रॉपर्टी कि इसको अगर इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? वन आना चाहिए. सो देयरफॉर द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस फाइव इज वॉट? वन बाई माइनस फाइव. सो क्लियर? तो वॉट इज इनवर्स प्रॉपर्टी? सो नाउ मूविंग फर्दर, नाउ देर आर सम मोर प्रॉपर्टीज इन मल्टीप्लीकेशन. नाउ नेक्स्ट इज जीरो प्रॉपर्टी. अब जीरो प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट कि प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो. कि मतलब अगर किसी भी इंटीजर को हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट होगा दैट कम्स आउट टू बी जीरो. तो कैसे? तो ए इंटू जीरो इज वॉट? जीरो. तो सिमिलरली जीरो इंटू ए भी क्या होता है? जीरो. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर इन मल्टीप्लिकेशन, सो दैट इज व्हाट कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? बांटना किसी चीज को, ठीक है. तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो तरह से है. तो वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, और एक क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन. तो मतलब क्या है, इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? हम किसकी प्रॉपर्टी कर रहे हैं? हम मल्टीप्लिकेशन की. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. तो दोनों के ऊपर ये प्रॉपर्टी को हम लिंक करते हैं. तो कैसे? तो एडिशन के ऊपर. तो व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेज कि इफ देर आर थ्री इंटीजर्स ए बी एंड सी, तो अगर आप एक इंटीजर को दूसरे दो इंटीजर्स के एडिशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट आर दिस प्रॉपर्टी सेज इफ यू मल्टीप्लाई वन इंटीजर विद द सम ऑफ अदर टू इंटीजर्स, ठीक है. तो व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि हम इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. कि अब तो दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया,
तो हम क्या करेंगे, इसको सिंगल सिंगल के साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हमने ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विद बी एंड सी। तो जो ये रिजल्ट निकल के आएगा, तो क्या अगर डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या आया, ये बन गया ए इंटू बी और ये बन गया ए इंटू सी। कि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए विद द अदर टू इंटीजर्स तो द रिजल्ट विल कम आउट टू बी सेम। सो दिस इज़ वॉट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज़। तो अब कोई भी तीन इंटीजर्स की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। तो कैसे, हम कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई भी तीन इंटीजर्स लेते हैं, ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू टू एंड सी इक्वल टू माइनस थ्री। नाउ पुट द वैल्यूज, नाउ लेफ्ट हैंड साइड विल बी व्हाट, तो वन इंटू टू प्लस माइनस थ्री, सो दिस विल बी इक्वल टू वन इंटू, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, माइनस वन। नाउ सिमिलरली फाइंड द वैल्यू फॉर राइट हैंड साइड, तो क्या ए इंटू बी, वन इंटू टू प्लस देन ए इंटू सी, वन इंटू माइनस थ्री, तो आंसर क्या आ गया, टू प्लस माइनस थ्री। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, माइनस वन, राइट हैंड साइड भी कितनी आई, माइनस वन, राइट। तो हैंस प्रूफ्ड कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, दिस इज ट्रू इन केस ऑफ इंटीजर्स। क्लियर। अब सिमिलरली क्या है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का, तो पहले हमने मल्टीप्लाई किससे किया था, टू द एडिशन ऑफ अदर टू इंटीजर्स। अब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, विद द सब्ट्रैक्शन ऑफ अदर टू इंटीजर्स। तो क्या बन गया ये, ए इंटू बी माइनस सी, दिस विल बी वॉट, सो दिस इज वॉट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो अगर आप इसमें भी वैल्यूज पुट करोगे तो देन लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू वॉट, राइट हैंड साइड। क्लियर। सो दिस आर ऑल द सेवन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट आफ्टर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन आर प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वॉट, क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्या कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी, कि अगर किसी भी दो इंटीजर्स को अगर आप डिवाइड करते हो तो रिजल्ट शुड बी एन इंटीजर। अगर वो रिजल्ट इंटीजर आ रहा है डिवीजन करने से, तब तो ये प्रॉपर्टी ठीक है, मतलब ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अगर वो रिजल्ट नहीं आता इंटीजर तो दिस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर इंटीजर्स। तो अब कैसे, लेट्स सपोज एनी टेक टू इंटीजर्स, वन एंड टू, तो इफ़ यू डिवाइड वन बाय टू, इन दोनों की अगर आप डिवीजन करते हो तो रिजल्ट क्या आया, वन बाय टू, एंड दिस इज नॉट एन इंटीजर। तो ये क्या है, ये इंटीजर नहीं है। सो देयरफॉर मींस व्हाट, दिस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर इंटीजर्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मींस व्हाट, शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ द इंटीजर्स। अगर इंटीजर्स की पोजीशन शिफ्ट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तब तो ये प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर फ़र्क आ रहा है, चेंज है, तो दिस प्रॉपर्टी कैन नॉट होल्ड गुड फॉर इंटीजर्स। अब कैसे, लेट्स सपोज एनी टू इंटीजर्स, ए इक्वल टू वन एंड बी इक्वल टू माइनस टू, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ए डिवाइडेड बाई बी शुड बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। तो अगर देख लेते हैं हम डाल के, तो वन डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू माइनस टू, तो ये क्या आ गया, वन बाई टू, ये कितना आ गया, माइनस टू बाई वन, तो ये तो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर इंटीजर्स, तो ये वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। क्लियर। नाउ थर्ड, थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। तो क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि अगर ग्रुपिंग, आप किसी भी तीन इंटीजर्स की ग्रुपिंग को चेंज कर दोगे तो
तो रिजल्ट में नई चेंज आना चाहिए। तो कैसे, सपोज कर वी आर हैविंग टू इंटीजर्स एंड तीनों को हमने डिवाइड कर दिया, अब इनके ग्रुपिंग बदल देते हैं, ठीक है जी। तो इफ़ यू पुट द वैल्यू से, अगर किसी भी इंटीजर्स की वैल्यू पुट करोगे तो दिस लेफ्ट हैंड साइड विल नॉट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो कभी भी इक्वल नहीं होगी। इट मीन्स व्हाट, कि दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिस विल नॉट होल्ड गुड फॉर इंटीजर्स। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी नहीं एप्लीकेबल है, कॉम्यूटेटिव भी नहीं एप्लीकेबल है डिवीजन पे, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नाउ आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान उस इंटीजर की। तो मतलब क्या है इन केस ऑफ डिवीजन, कि किसी भी इंटीजर को किस नंबर से डिवाइड किया जाए सो दैट द रिजल्ट कम्स आउट टू बी सेम, कि उसकी आइडेंटिटी में कोई भी वेरिएशन ना हो। तो वो कौन सा नंबर है, सो दैट नंबर इज व्हाट कॉल्ड वन। सो दिस इज व्हाट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, कि किसी भी इंटीजर को वन के साथ डिवाइड करने से द रिजल्ट कम्स आउट टू बी द सेम। नाउ नेक्स्ट इज ज़ीरो प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज ज़ीरो प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, कि इफ़ यू डिवाइड ज़ीरो बाय एनी इंटीजर, कि अगर आप ज़ीरो को किसी भी इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं तो जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा, दैट विल बी द ज़ीरो। सो दिस इज़ व्हाट ज़ीरो प्रॉपर्टी इन डिवीजन। नाउ नेक्स्ट इज वन प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज़ देयर इन वन प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, कि इफ़ यू डिवाइड एनी इंटीजर बाय द सेम वैल्यू, एक इंटीजर को उसी के साथ अगर आप डिवाइड करोगे तो देन द रिजल्ट विल कम्स आउट टू बी वन। सो दिस इज़ कॉल्ड वन प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। तो होप यू आर क्लियर अबाउट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।